Hi guys, welcome back to another interesting video. So let's go. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेबेस्टियन वेडल के बारे में, जो 4-time फार्मूला वर्ल्ड चैंपियन है एंड उनका पोटेंशियल कम बैक टू फार्मूला 1. सो गाइस, लास्ट वीक जापानीज ग्रैंड प्री के दौरान एक हवा चली थी दैट हिज पोटेंशियल कम बैक इन टू द F1. एंड ऑल्सो गाइज, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, बट वहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, बट आज कोशिश करूँगा कि मैं आपको डिटेल इन डेप्थ रिव्यू दूँ एंड साइड बाय साइड मैं आपके रिव्यूज जानना चाहूँगा कि क्या आप सेबेस्टियन वेटल को फार्मूला 1 में कमबैक देखना चाहते हैं. सो फ्रेंड, वी ऑल नो कि सेबेस्टियन वेटल का क्या क्रेज़ है पैडॉक में एंड उनके बारे में लोग एक्साइटेड रहते हैं एंड उनको पैडॉक में देखना चाहते हैं. सो गाइज, ड्यूरिंग जापानीज ग्रैंड प्री एंड इन एन इंटरव्यूज सेबेस्टियन वेटल से जब पूछा गया है कि इज़ ही कनेक्टेड टू एनी ऑफ द टीम प्रिंसिपल या किसी से बात हो रही है उनकी, तो उन्होंने अपफ्रंटली किया कि ही इज़ टॉकिंग टू सेवरल टीम प्रिंसिपल्स एंड उनकी टोटो से भी बात हो रही है, बट वो ड्राइविंग के लिए नहीं हो रही है, F1 में कमबैक के लिए नहीं हो रही है, बट हेयर एंड देयर के लिए हो रही है. एंड ही ऑल्सो सेज कि F1 से वो ज़्यादा दूर नहीं रह पाते. सो गाइज, इन शॉर्ट, सेबेस्टियन वेटल इज़ मिसिंग फार्मूला 1. लास्ट ईयर ही उन्होंने रिटायरमेंट दोबारा ले ली थी एस्टन मार्टिन से एंड अभी सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ कि सेबेस्टियन वेटल ने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है. तो जब टोटो वोल्फ से पूछा गया तो ही ऑल्सो सेड कि उनकी बात चल रही है एंड ही लव टू गिव द शॉट टू सेबेस्टियन वेटल. सो गाइज, लेट्स सी क्या होता है. एंड ऑल्सो जब जॉर्ज रसेल से पूछा गया है कि वो कैसे देखते हैं सेबेस्टियन वेटल को, उनका टीममेट, तो ही वाज आल्सो वेरी पॉजिटिव एंड वो भी ही वाज सेइंग कि ही वुड लाइक टू ड्राइव नेक्स्ट टू सेबेस्टियन वेटल एंड ही इज़ आल्सो एक्साइटेड अबाउट मैक्स वर्स्टैपेन. सो इससे हमें ये पता लगता है कि जॉर्ज रसेल इज़ रेडी एंड उनको पता है कि इनमें से कोई सा भी ड्राइवर हो सकता है एंड ही कुड बी अलोंसो एज वेल. सो गाइज, नाउ लेट्स डिस्कस कि वाई मर्सिडीज नीड सेबेस्टियन वेटल और अलोंसो और एनी अदर सीनियर ड्राइवर, वॉट कुड दे ब्रिंग टू द टेबल. सो गाइज, लुइस हैमिल्टन के जाने के बाद मर्सिडीज में कोई सीनियर ड्राइवर नहीं होगा एंड वो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो बैकफुट में आ जाए, क्योंकि 2026 में रेगुलेशन दोबारा चेंज हो रही है एंड उनके पास कोई सीनियर ड्राइवर होगा नहीं जो उनको गाइड दे या उनको कोई डिफरेंट आइडियाज़ दे. सो दिस कुड बी द पॉइंट वेयर दे नीड एन एक्सपीरियंस ड्राइवर एंड जो चैम्पियन विनिंग ड्राइवर जो उनको एक विनिंग पाथ पे ले जाए. एंड ये दोनों चीज़ वेटल से हो सकती हैं, अलोंसो से भी हो सकती हैं, मैक्स वर्स्टैपेन से भी हो सकती हैं. बट अगर टोटो वुल्फ अगर एंटोनियोली को लेते हैं तो माइट बी देर कुड बी लेस चांसेस बिकॉज उनका एक्सपीरियंस अभी चैम्पियनशिप में नहीं है. ऑल दो उनके पास F2 का एक्सपीरियंस है, F3 का चैम्पियनशिप एक्सपीरियंस है, बट उनके पास अभी F1 का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है एंड F1 इज़ बहुत वे मोर डिफिकल्ट देन F2 और F3 और एनी ऑफ द सीरीज. सो दिस कुड बी अ मेजर पॉइंट वेयर मर्सिडीज और टोटो वुल्फ नीड टू थिंक. हैमिल्टन का जाना अभी दैट कुड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये भी उनको बहुत हिट करेगा. अभी इनके पास बैकअप नहीं है एंड अभी जैसे इनका करंट सीजन चल रहा है एंड 2025 के लिए अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, तो इनके पास बहुत टाइट स्केड्यूल होगा कि अपने आप को दोबारा पोडियम प्लेसेस में देखें, कंस्ट्रक्टर प्लेसेस में हायर देखें. तो ये बहुत क्रूशल पॉइंट होगा मर्सिडीज़ के लिए थिंक करना कि क्या हो सकता है, उनको क्या करना चाहिए. ऑल दो रसल इज़ लीडिंग मर्सिडीज़, बट जब न्यू ड्राइवर्स आएंगे उनकी टीम में, सो देन देर कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी कि लीड कौन करेगा, बिकॉज अलोंसो, मैक्स वर्स्टैपेन एंड सेबेस्टियन वेटल ये ऑल चैम्पियनशिप विनिंग ड्राइवर्स हैं एंड ये लोग नंबर वन ड्राइवर रहेंगे एंड रसल का इनके साथ काम करना रसल को बैकफुट पर डाल सकता है, वो प्रेशर में आ सकते हैं एंड इस प्रेशर के चलते वो अंडर डिलीवर भी कर सकते हैं. तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होगा ये अपने आप को प्रूव करना कि वाई ही इज़ एट मर्सिडीज़ एंड वो अभी मर्सिडीज़ को लीड करना चाहते हैं, ना कि वो सेकेंड ड्राइवर बन के रहें. एंड गाइज, वी ऑल नो कि वेटल ने क्या क्या अचीवमेंट्स करे हैं फरारी में. इफ़ यू रिमेंबर 2018 का सीजन बहुत इंटरेस्टिंग था, उन्होंने बहुत टफ फाइट दी थी मर्सिडीज़ को, लुइस हैमिल्टन को, एंड फरारी उस टाइम विन पे थी एंड वो उस ईयर का कंस्ट्रक्टर चैम्पियनशिप जीत सकती थी, बट 2-3 मिसहैप के चक्कर में वो चैम्पियनशिप रह गई. एंड एज़ कम्पेयर टू 2017 का सीज़न, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, मर्सिडीज़ की एंड फरारी की बहुत क्लोज फाइट थी. सो वेटल कैन मेक अ चेंज इन द टीम, जो वेटल का एटीट्यूड है वो टीम को बहुत चेंज कर सकता है एंड उनको एक विनिंग पाथ पे ला सकता है, जो अभी मर्सिडीज़ में मिसिंग है और हैमिल्टन के जाने के बाद मिस हो सकता है. सो गाइज, दिस इज़ वॉट आई थिंक एंड आई वुड लक टू हियर योर व्यूज़ कि आपको क्या लगता है कि सेबेस्टियन वेटल को आना चाहिए मर्सिडीज़ में, अलोंसो को आना चाहिए, मैक्स वर्स्टैपेन को आना चाहिए एंड
ये तीनों ड्राइवर आके टीम में क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं गाइज, आई वुड लव टू हियर योर व्यूज़। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।